ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। वैसे कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कह सकते हैं कि स्टूडेंट सभी तरह के होते हैं, सबके अपने अपने कह सकते हैं कि उद्देश्य होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं, अपने अपने एम होते हैं लाइफ के, उस अकॉर्डिंग और कुछ के कह सकते हैं कि कुछ क्वालिटीज कह सकते हैं कि होते हैं, उनके अपने अंदरूनी गुण होते हैं जिस आधार पे वो अपने फ्यूचर्स को सेट करते हैं या फिर अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर भी या फिर यूपीएससी सिविल सेवा में आने से पहले अगर इस बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से क्वालिटीज होने चाहिए, कौन से ऐसे तीन ट्रेट्स गुण होने चाहिए, तत्व होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि आवश्यक है, जो कि एक कह सकते हैं कि नेसेसिटी है अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा के बारे में सोच रहे हैं या फिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बैठने के बारे में सोच रहे हैं, इसकी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या फिर सिविल सेवा में आना चाहते हैं। तो ऐसे आज तीन क्वालिटीज के बारे में, तीन ट्रेट्स, थ्री एलिमेंट्स के बारे में, तीन ऐसे तत्व के बारे में, थ्री कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये होना आवश्यक है। अगर यह नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बेटर नॉट टू प्रिफर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देयर वर मेनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अदर जॉब्स, अदर वैकेंसीज वेर अवेलेबल विच यू शुड प्रिफर बट नॉट यूपीएससी। तो आप और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को प्रिफर कर सकते हैं, अदर कोई कैरियर्स ऑप्शन को चुन सकते हैं, बट यूपीएससी के लिए आपके तीन गुण होना बहुत ही कह सकते हैं नेसेसरी है, मस्ट है और मैंडेटरी है। तो सबसे पहले बात है कि जो भी स्टूडेंट्स वन नाइट सक्सेस की फॉर्मूला पे बिलीव करते हैं कि हम तो रातों रात कह सकते हैं कि इसमें सफलता अर्जित कर ली, उसके लिए यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी एक मैराथन है, मैराथन्स और एक लंबी जर्नी है। बहुत सारे लोग इसे पंचवर्षीय योजना का भी नाम दिए हैं कि अगर आप करोलबाग या मुखर्जी नगर आते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल लगना ही लगना है। बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर इसके बारे में आप एक रिसर्च में देखेंगे तो आप पाएंगे एक ट्रेंड्स है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करते हैं। 25% लगभग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चले कि वो क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत लोग क्वालिफाई तो कर जाते हैं बट उनका रैंक उतना अच्छा नहीं होता, बहुत लोग जो है प्रॉपर आईएएस अलॉट नहीं होता, बहुत लोगों को जो है कि जो मनचाहा सर्विस आईएएस या आईपीएस या आईएफएस, बहुत लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो आईएएस ही प्रिफर करते हैं फर्स्ट कह सकते हैं प्रेफरेंस में, तो उनको उस सर्विस नहीं मिलता है, इसलिए वो दोबारा अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, फोर्थ अटेम्प्ट देते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा मिला है, तो वो बैठते रहते हैं। तो इसीलिए वन नाइट सक्सेस की जो फॉर्मूला है, वन नाइट सक्सेस की जो थेसिस है, इस फॉर्मूले पे बिलीव करने वाले स्टूडेंट के लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं है। बिकॉज यह एक मैराथन है, इसकी अगर प्रिपरेशन की अगर बात करूं तो मान लीजिए फरवरी और मार्च में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, जून में प्रीलिम्स होते हैं, भले कोविड-19 की वजह से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है बट ऑन कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है कि फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन है, जून में आपका प्रारंभिक परीक्षा है, फिर अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में आपका मुख्य परीक्षा है मेंस एग्जामिनेशन, फिर फरवरी मार्च में अगले साल जो है आपका जो है इंटरव्यू साक्षात्कार है। तो एक साल की तो इसकी कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन ही होती है और आपको 1 से 1.5 साल तक का पिछले प्रीवियस ईयर का करेंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप सिंपल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको लगभग मोर देन 2 एंड हाफ ईयर्स आप इसमें लग सकता है। तो अगर आप यूपीएससी के बारे में अगर सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए तो आपको एक कह सकते हैं कि धैर्य धारण करके इसमें 2 से 2.5 साल इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तो, अगर आपको आईएएस अलॉट हो जाता है तो, अदरवाइज अगर आपको अपने मनपसंद का जो है सर्विस या कैडर अलॉट नहीं होता है तो आप जो है फिर सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, जो भी जिस कैंडिडेट्स जितने अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं वो सारे लास्ट अटेम्प्ट तक भी लगे रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज ऐसा माना गया है कि थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में स्टूडेंट बहुत अधिक मात्रा में क्वालिफाई करते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो ये एक मैराथन है, मैराथन मीन्स लंबी जर्नी, फर्राटे वाली दौड़ होती है जो कि 100 मीटर होती है, 200 मीटर की होती है, लेकिन मैराथन इसे कह सकते हैं 5,000 किलोमीटर या फिर
500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, एक लंबी जर्नी होती है, मतलब एक कंटिनेंटल कह सकते हैं कि मैराथन होती है, या फिर कह सकते हैं कि वन कंट्री से अनदर कंट्री की मैराथन होती है, मतलब एक तरह से एक लगातार सतत प्रयास करते हुए इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जाती है। तो एक मैराथन है, वन नाइट सक्सेस में इसमें बिलीव नहीं होता। तो आपको इसमें अगर आपको ये एकदम हड़बड़ी में है, एकदम जल्दी कह सकते हैं कि सफलता अर्जित करना है आपको, तो बेटर होगा कि कोई अदर कैरियर ऑप्शन के बारे में अगर ऑप्ट करें। अगर आप यूपीएससी में आना चाहते हैं तो आपको इसमें समय देना होगा, डिवोट करना होगा, एक लंबी जर्नी की प्रिपरेशन और रणनीति बनाकर चलना होगा। इस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि 2-3 साल आप इसमें खींच सकें। फिर आपका कह सकते हैं फाइनेंशियल बैकअप के साथ साथ पेरेंट्स के भी कह सकते हैं कि एक सपोर्ट होना चाहिए, मॉरल सपोर्ट होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वह इस एग्जामिनेशन के, यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में चाहिए। आगे है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैंने पहले ही बताया कि यूपीएससी जो है एक सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं है, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते करते आपके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज और तत्व जनरेट होते हैं जो कि जब आप फ्यूचर में डीएम और कलेक्टर बनते हैं तो उस वक्त उसकी जरूरत होती है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत आवश्यक है। आप एक जब किसी एक ऊंचे पद पर आसीन होते हैं, एक कह सकते हैं कि इस यूपीएससी सिविल सेवा में आने के बाद यह ऑफिसर क्लास का जॉब है, इसमें जो है कहीं भी जाते हैं तो आपको एक लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना आवश्यक है। अगर आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति एकदम कह सकते हैं कि डगमग डगमग डोलती रहे, तो आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी पॉलिसीज, किसी भी स्कीम को अच्छी से अच्छी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना जरूरी है। तो ये तो मैं फ्यूचर की बात की, जब आप उस पद पे पहुंच जाएंगे, उस सर्विस और पोस्ट में होंगे तब। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, आपको बिलीव नहीं होगा कि जब शुरुआत में हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी में जुटते हैं, 2-3 महीना तक हमारे अंदर पूरा जोश होता है, पूरे मोटिवेशन के साथ होते हैं और तैयारी में लगते हैं, बट एट द कह सकते हैं कि 4th और 5th मंथ हम डिमोरलाइज होने लगते हैं। हम बुक्स और कह सकते हैं किताबों से इतने घिर चुके होते हैं, इतने एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं कि अब बुक्स में कह सकते हैं एक बोझ जैसा, बोझिल फील होने लगता है, एक बर्डन जैसा लगने लगता है पढ़ाई, तो फिर मन उबने लगेगा और उस वक्त जो है पढ़ाई को फिर बुक्स बंद करके सो जाएंगे या फिर छोड़ देंगे। मतलब तो ये एक मैंने पहले ही बताया, मैराथन है, लंबी जर्नी है, 2-3 साल की इसमें प्रिपरेशन चाहिए। तो उस हिसाब से आपका स्ट्रांग विल पावर होना जरूरी है ताकि आप 2-3 सालों तक इस एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंस वे में जो है इसकी प्रिपरेशन करते रहें। और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यह जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी यह होना आवश्यक है। आपको कंसिस्टेंट पेमेंट लगातार 1-1.5 साल तक करेंट अफेयर करना होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, मंथली मैगजीन्स पढ़ना होगा, आपको कुछ आंसर राइटिंग के प्रैक्टिसेस करने होंगे, आपको एक बुक्स को बार बार रिवाइज करना होगा। तो इन तमाम चीजों में कंसिस्टेंट होकर रेगुलर वे में और पंक्चुअल तरीके से आपकी इसमें प्रिपरेशन करना होगा, और ये तभी होगा जब आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि नहीं, चलो करेंट अफेयर जो है मंथली में एक बार कवर अप कर लेंगे, या फिर पूरे साल का करेंट अफेयर हम एक ही बार पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर्स आप 2-3 महीना पढ़ेंगे लगातार, लेकिन फिर सोचेंगे चलो नहीं, एक्यूमुलेट कर लो, हम एक सप्ताह का एक ही बार संडे को पढ़ लेंगे। इस तरह होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, आप संडे को पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह कोई टेस्ट पेपर दे रहे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बैठ के 2 घंटे जो है इसकी टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो अच्छा है, बट स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ आपको मतलब सेल्फ स्टडी इसमें बहुत जरूरी होती है, सेल्फ स्टडी की, स्वतः अध्ययन की, तो उसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर इज नेसेसरी। आप कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कठोर निर्णय लेने की क्षमता, कि नहीं कि पढ़ना है तो पढ़ना है, 4 o'clock अगर उठना है तो उठना है। अगर आप नाइट स्टडी और कह सकते हैं कि ऑल विजन वाले लोग हैं कि मतलब रात भर पढ़ दें, मतलब 3-4 बजे सुबह तक पढ़ना है फिर सोना, बट यू हैव टू कवर अप योर सिलेबस, और ये तभी होगा जब यू हैव टू स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है जी, आगे है
तीसरा ट्रेट्स और क्वालिटी चाहिए, नॉट हिज इंट्रेंसिक चॉइस। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इंट्रेंसिक चॉइस का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसे सबसे अंत में इसीलिए रखा क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट पहले रखता तो शायद आप डिमोरलाइज हो जाते। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो है, बहुत सारे विद्यार्थी 10th 12th में या किसी डीएम और कलेक्टर से जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस वक्त उनसे मुलाकात होती है तो उन्हें देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। डीएम की गाड़ी आती है, लाल बत्ती से होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, कैमरा मीडिया सब उनके तरफ जो है, समाज में उनकी एक अलग ही कह सकते हैं गरिमा है, एक अलग ही उनकी कह सकते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेज दिया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इस हिसाब से लोग डीएम और कलेक्टर बनने के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में जानते हैं। तो कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ अट्रैक्शन जो है इस सेवा में बहुत अधिक है, इसलिए लोग है कि चलो भाई जो उसमें कह देते हैं कि हमें आईएएस बनना है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें कलेक्टर बनना है। तो इसमें होता क्या है कि शुरुआत में आप उन तामझाम को देखकर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये तो पहला चीज हुआ। दूसरा यह हुआ कि आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा किसी मोहल्ले के लड़के ने कलेक्टर बना है या फिर आईएएस क्वालिफाई किया है, तुम भी आईएएस की तैयारी करो, या फिर किसी आपके सीनियर्स के द्वारा जो है मोटिवेशनल स्पीच दिया गया है, जब वो क्वालिफाई करके आए तो आप भी मोटिवेट होके सुने और वह तुरंत तुरंत में फास्ट एकदम कह सकते हैं कि निर्णय ले लिया, नहीं चलो हम भी इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कोई दोस्त आपका प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी का और आपने भी मन बनाया कि चलो आप तुम्हारे साथ साथ मैं भी इसकी तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन जब तक यूपीएससी की प्रिपरेशन आपके इंट्रेंसिक चॉइस नहीं हो, जब तक का कह सकते हैं कि यह जो ड्रीम है आईएएस बनने का, कलेक्टर बनने का, वो आपका अपना नहीं होगा। यह चॉइस कहने का मतलब है, इंट्रेंसिक चॉइस मतलब आंतरिक इच्छा शक्ति, आंतरिक कह सकते हैं कि एक भाव है इस सेवा को लेकर, या फिर हम जो है यह हम बनना चाहते हैं, ना कि हमारे पेरेंट्स ने कहा इसलिए हम बनना चाहते हैं, ना कि हमारे दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए बनना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखना आवश्यक है। अगर आप इंट्रेंसिक चॉइस अगर आपके अंदर होगा, अगर यह डिसीजन आपके द्वारा लिया जाएगा कि नहीं मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर इंट्रेंसिक चॉइस के ऊपर अगर डिसीजन लेना है यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो इसके साथ साथ आपका विल पावर भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि यह निर्णय आपके द्वारा लिया गया है। अगर आपके द्वारा निर्णय लिया गया है तो आप अपने गोल, अपने ध्येय, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह कमिटमेंट कह सकते हैं कि भाव से, कमिटमेंट के भाव से, पूरी की पूरी तरह से समर्पण के भाव से इसकी तैयारी करेंगे, और यह तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप हो। तो जब निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप होगा, जब स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप होगा तो भले ही वह वन नाइट सक्सेस रहे या वन ईयर का सक्सेस रहे, यू विल एबल टू कंप्लीट द मैराथन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यह जरूरी है इंट्रेंसिक चॉइस, आंतरिक इच्छा शक्ति, आंतरिक चॉइस, आंतरिक चुनाव कह सकते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी है या मेरी अपनी तैयारी है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से मैंने ये तीन पॉइंट में रखा। पहला, वन नाइट सक्सेस नहीं है, ये एक मैराथन है, एक लंबी जर्नी है। दूसरा है लैक ऑफ, इधर से जुड़ जाता हूं, पहला है वन नाइट सक्सेस जो है इसमें नहीं है, ये एक मैराथन है, लंबी जर्नी है। दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है तो आप इस सर्विस के लिए कह सकते हैं कि इस सर्विस के प्रिपरेशन नहीं करें तो बेहतर है। तीसरा है कि नॉट हिज इंट्रेंसिक चॉइस, अगर आपकी आंदरूनी जो है इच्छा शक्ति नहीं है, किसी के बहकावे में, किसी के कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आप इस सर्विस के लिए को लेकर अट्रैक्ट हुए हैं, तो बेटर यही होगा कि यू शुड प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जामिनेशन और अनदर jobs, not for the UPSC civil services examination. तो अगर आप UPSC civil सेवा में आना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आपको जो है एक मैराथन की तैयारी करनी होगी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति जो कि आपके अंदर से निकला हुआ हो इस सेवा में आने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।